नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ई झोन मराठी एज्युकेशन चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण द्वितीय सत्र परीक्षा दोन हजार बावीस तेवीससाठी आणि चोवीससाठी सुद्धा महत्त्वपूर्ण असा इयत्ता सातवी हिंदी विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा दोन हजार तेवीस चोवीस यासाठी सराव पेपर पाहणार आहोत इयत्ता सातवीचा गुण चाळीस गुणांसाठी ही कृतीपत्रिका असेल हिंदी विषयाची हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेकॉर्डिंग लेक्चर विद्यार्थी मित्रांनो आपण ई झोन मराठी एज्युकेशन या चॅनलवर पाहतात चला पाहूया प्रश्न पहिला आहे कविता की पंक्ती या पुरी करो बेटी युगमे डॅश अजी गाव गावो रे डॅश सजी आओ तो त्यानंतर सवाल दूसरा है किसने किससे कहा सबको आगा किया जाता है और हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे यह वाक्य किसने किसे कहा है और पहले पंक्तियों में आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है तो चार चार अंकों के लिए दोनों प्रश्न पूछे गए गे तो दोन्ही प्रश्न हे चार चार गुणांसाठी आहेत चला पाहूया उत्तर देखिए बेटी युग में बेटा बेटी सभी बढ़ेंगे खुद अपना इतिहास और गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो तो अशा पद्धतीने आपल्याला कंप्लीट करायचे होते याचे चार गुण तुम्हाला प्राप्त होतील किसने किसे कहा सबको क्षमा किया जाता है रात रानी ने बच्चों से कहा क्योंकि बच्चों ने बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा ली तो पहले से किसने किसे कहा आपण पाहिलं त्यानंतर हम तुमें कड़ी से कडी सजा देंगे हे पण याचं सुद्धा आपण पाहणार आहोत पुढील नेक्स्ट पेजवर विद्यार्थी मित्रांनो हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेकॉर्डिंग लेक्चर आपण ही झोन मराठी एज्युकेशन या चॅनलवर पाहतात जर आपण या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेकॉर्डिंग लेक्चर आवडल्यास आपल्या इतर मित्रांना शेअर करा आपण यासारखे सर्व विषयांचे इयत्ता सातवीचे सर्व विषयांचे सराव पेपर्स तुम्हाला येथे पाहायला मिळतील चला पुढील आहे हम तुम्ही कडीसे कडी सजा देंगे रात सुनील से का क्योंकि सुनील उल्टा बोलने लगा इथे आता अपने प्रश्न तीन है निम्नलिखित उतारा पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो ऐसा है तीन अंकों के लिए बिरबल ने जो जवाब दिया है पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा दूसरी शर्त वह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए यानी सप्ताह के सातों दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल का मुंह देखने लायक था तो चलिए इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देखने हैं पहली शर्त क्या थी बादशाह मन ही मन प्रसन्न क्यों थे और दूसरी शर्त क्या थी ऐसे तीन प्रश्न इतने विचार लेत्तर उत्तर जी विद्यार्थी मित्रानों जो उतारा दिलेला आहे तो आपल्या पाठामधीलच आहे त्या उताऱ्याला आधारित आपल्याला उत्तर लिहायची याची व्यवस्थित सुंदर असताक्षरामध्ये तुम्हाला याची उत्तरं लिहायची जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण प्राप्त होतील शेवटपर्यंत पहा मध्ये मध्ये स्किप न करता पूर्ण पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल पूर्ण पेपर हा चाळीस गुणांचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला या चॅनलवर सर्व विषयांचे इंग्लिश मराठी तसेच विज्ञान गणित सर्व विषयांचे इतिहास भूगोल सर्व विषयांचे पेपर तुम्हाला पाहायला मिळतील अगदी उत्तर आणि स्पष्टीकरणासह तर चला आपण पाहतोय हिंदीचा जो उतारा आपण पाहिलेला आहे त्या उतार्याच्या आधारावर आपल्याला तो वाचल्यानंतर व्यवस्थित वाचन केल्यानंतर त्याखाली हे तीन प्रश्न दिलेले आहेत या तीन प्रश्नांची अगोदर आपण उत्तरेसुद्धा पाहणार आहोत बिरबल आणि बादशाह यांचा हा उतारा आहे तो उतारा सर्वप्रथम पूर्ण वाचून घ्या आणि तो वाचल्यानंतर त्याच्यामध्येच या समोरील प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला तिथेच मिळणार आहेत तेव्हा सर्वप्रथम उतार्याचं व्यवस्थित मन लावून वाचन करा कारण नंतर या कृती तुम्हाला सोडवायच्यात अगोदर उतार्याचं पूर्ण वाचन केल्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो समोर दिसणाऱ्या तीन प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला व्यवस्थित लिहायची सल्ला पाहूया पहिली शर्त क्या थी पहिली शर्त थी की बादशाह को घोडा लेने कोोडा स्वयं ही जाना पड़ेगा या पहिली शर्त थी और मन ही मन प्रसन्न क्यो थे की बिरबलने आपली चतुराई उन्हें फिर मात दे दी मन ही मन प्रसन्न थे और तीसरे का था दूसरी शर्त क्या थी कि बादशाह सप्ताह के सातों दिनों के अलावा किसी भी दिन घोड़ा देख सकते हैं ऐसी तीन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देने के बाद आपको उचित यानी कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे तो विद्यार्थी मित्रों या पद्धति ने अपने तीन ही प्रश्नांची उत्तर अपन इथे दिलेली आहेत ही लिहिल्यानंतर व्यवस्थित सुंदर अक्षरामध्ये तीनही प्रश्नांची उत्तरं या पद्धतीने तुम्ही लिहिल्यानंतर तुम्हाला आउट ऑफ गुण इथे प्राप्त होणार आहेत त्यानंतर पुढील प्रश्न पाहायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता प्रश्न एक पण पाहिला आणि दुसरा किसने किसे कहा पण पाहिला आणि आता उतारा वाचून उताऱ्याखालील प्रश्नांची उत्तरंसुद्धा आपण लिहिलेली आहेत तीनची त्यानंतर सवाल तीन आहे प्रश्न क्रमांक तीन आहे त्यामधला कविता की पंक्तियो पढो और नीचे दिए गे प्रश्नों के उत्तर लिखो कविता वाचायची हिंदुस्थान की जिसकी मिट्टी ने हम खेले खाए हैं जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं कर्ज चुकाने हैं हमको उनके एहसान के भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के या कवितेच्या ओळी दिलेल्या आहेत या कवितेच्या ओळीवरून खाली ही प्रश्न दिलेले आहेत त्या प्रश्नांचे आपल्याला उत्तर लिहायचे हिंदुस्तान की मिट्टी मे हमने क्या किया आहे याचं उत्तर योग्य लिहायचं आहे आणि रचकन्ये हमको कैसे अपनाया आहे हे पण याचं पण उत्तर लिहायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो सर्वप्रथम कविताचं व्यवस्थित वाचन करायचं आहे मन लावून वाचन केल्यानंतर कवितेमधून तुम्हाला समोर दिसणाऱ्या या प्रश्नांची उत्तरंसुद्धा त्यामध्येच तुम्हाला मिळणार आहेत तेव्हा सर्वप्रथम प्रश्न तीन जो कविताओं की पंक्तियाँ दी गई हैं उस कविता की पंक्तियों को सही ढंग से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका भावार्थ यानी अर्थ जानना है अर्थ जानने के बाद आपको जो नीचे दिए गए या सामने जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों के उत्तर आपको उसी कविता में उसी पद्यांश में पंक्तियों में मिल जाएंगे चलिए देखेंगे हम क्या होगा उसका उत्तर सही उत्तर हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने क्या किया है तो और रचकन हम खेले हैं और खाए हैं क्या उत्तर लिखना है उसका हम खेले हैं और खाए हैं रचकन ने हमको कैसे अपनाया है ममता और समता से इसी तरह दोनों के आप सही उत्तर यहाँ पर लिखने थे और सही उत्तर लिखने के बाद आपको कुल अंक यहाँ प्राप्त हो जाएंगे तो विद्यार्थी मित्रों आप इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर को ई जोन मराठी एजुकेशन ई चैनल पर आप देख रहे हैं यह एजुकेशन चैनल है इस पर आपको पाँचवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के सभी मराठी और हिंदी व्याकरण और सभी लेसन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके अलावा आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे आगे का जो प्रश्न पूछा गया है भारत माता के बेटे कैसे चलते हैं इसका भी उत्तर आपको देखना है उसके बाद प्रश्न चार आया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश डैश पैसे मांगे पूरे पैसे मांगे सभी चित्रों के पैसे मांगे यानी सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य फिर से लिखना है मजे अगोदर कवित जी पंक्ति होती सीना तानके के ते उत्तर होता भारत माता के बेटे कैसे चलते सीना तानके के और उसके बाद सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य फिर से लिखने हैं यानी प्रश्न चार क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश पैसे मांगे पूरे पैसे मांगे सभी चित्रों के पैसे मांगे तो आगे हम देखने वाले हैं दूसरा भी दिया गया है कि जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैल डैश बीरबल से खुश हो गए क्या वह मुंह देखने लगे कि होशियारी जान चुके इन दोनों के ही सही विकल्प चुनकर आपको उस वाक्य में डालकर वाक्य फिर से लिखना है इसी तरह लिखने के बाद आपको वहाँ दो अंक प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद विद्यार्थी मित्रों आपको प्रश्न पाँच ओ में देखना है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु आपको पत्र लिखना है यानी वह भी छः अंकों के लिए आपको यह पत्र लेखन आएगा यानी जन्मदिन की बधाई पत्र आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको इसके उत्तर जानने हैं प्रश्न चार के विकल्प सही चुनकर आपको लिखना है कि क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से क्या किया सभी चित्रों के पैसे मांगे क्या किया सभी चित्रों के पैसे मांगे और बाद में जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुँह देखने लगे यानी इसी तरह लिखने पर आपको कुल दो अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे तो विद्यार्थी मित्रों आपने प्रश्न एक से चार तक के सभी प्रश्नों के उत्तर यानी आदर्श उत्तरों के साथ हमने यह लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं और विथ सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको अब आप प्रश्न पाच हे की आपल्याला काय करायचं आहे पत्रलेखन करायचं आहे हिंदी पत्रलेखन ईमेल स्वरूपात पत्रलेखन लिहिण्याची सवय आता लावायची म्हणजेच कुठल्या साईडने लिहायचं आहे आपल्याला आपल्या पेपरच्या उत्तरपत्रिकेच्या डाव्याच कोपऱ्याला आपण ज्याचा ज्याला पत्र लिहायचं आहे त्याचा पत्ता लिहायचा आहे आता मित्राला पत्र लिहायचं आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला मित्राचा पूर्ण पत्ता लिहायचा आहे आणि तो लिहिल्यानंतर तुम्हाला तुमचा पत्ता लिहायचा आहे नंतर तुमचा पूर्ण पत्ता लिहायचा आहे पा पत्र लेखन आपले मित्र को जन्मदिन की बधाई देणे हेतु पत्र लिखना आहे सबसे पहिले ऊपर आएगा पत्ता तरह पत्ता लिखना आहे तो विद्यार्थी मित्र पता लिखना आहे ऊपर और उसके बाद प्रिय मित्र जो है उसका नाम आपको लिखना है उसके बाद आपको बधाई देने हेतु आपको मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु आपको कुछ वाक्यांश लिखना है उसके बाद अंत में आपका मित्र ऐसा लिखकर उसका नाम लिखना है तो चलिए उदाहरण के तौर पर जानेंगे हम कि किस तरह लिखना है सबसे पहले पता लिखना है तो चलिए पता देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा पता तो देखिए पता अक्षय सानप सुभाष चौक अहमदनगर 20 इस तरह पता लिखने के बाद मित्र का मित्र को लिखना है प्रिय मित्र संकेत उसके नीचे लिखना है कैसे हो आशा है स्वकुशल होंगे जाने वाली आने वाली जो बीस तारीख है तब आपका यानी तुम्हारा जन्मदिन होता है मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूँगा इसलिए पत्र से पत्र के द्वारा तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं भेज रहा हूँ तुम हमेशा ही मेरे अच्छे दोस्त रहे हो और भविष्य में भी रहे हो रहो रहोगे अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम बताना जल्दी ही मिलेंगे तुम्हारा मित्र अक्षय इस तरह पत्र लिखने के बाद आपको कुल छः अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे इसी तरह आपको पत्र लेखन करना है तो आप सभी ने पत्र लेखन के तौर पर यह लिखने के बाद आपको कुल छ अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे तो अपने गुण इतें प्राप्त होना है गुण प्राप्त होर अपन प्रश्न एक प्रश्न दोन प्रश्न तीन प्रश्न चार प्रश्न पाच आणि हा सुद्धा अभ्यासलेला आहे पत्रलेखांमध्ये प्रश्न पाच पण अभ्यासला आहे यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न जी पत्रिका आहे त्याच्यामध्ये पुढील पण प्रश्न आपण जाणून घेणार आहोत जो की व्याकरणावर आधारित असेल विलोमार्थी शब्द लिखो याने विरुद्धार्थी बुद्धिमान बुद्धिहीन चांदनी, चांद इधर उधर खुश नाखुश इसी तरह लिखने पर आपको कुल चार अंक प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद प्रश्न छ आता है निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको निबंध लेखन करना है मेरी माँ हमारा देश और मेरे प्रिय शिक्षक तीनों ही निबंध बहुत ही सीधे तौर पर यानी बहुत ही सहजता से आप तीनों भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर एक निबंध दिया गया है यानी आप मेरी माँ भी लिख सकते हैं यानी माँ के जीवन पर आपको लिखना है तीन परिच्छदों में दो या तीन परिच्छदों में आपको यह निबंध लेखन करना है मेरे प्रिय शिक्षक इस पर भी आप लिख सकते हैं आज उदाहरण के तौर पर हमें तीनों में से सिर्फ एक पर लिखना है और उसके बदले आपको आठ अंक प्राप्त हो जाएंगे तो समझ में आना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसा यह प्रश्न होता है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर आप निबंध लिखो कुल आठ अंकों के लिए मेरी माँ हमारा देश या मेरे प्रिय शिक्षक या तीनों में से हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर हमारा देश यह निबंध दिया गया है इस पर सबसे पहले भारत हमारा देश है हम सभी लोग इस देश में रहते हैं और इस देश के नागरिक हैं हमारे देश की आज दुनिया के महान देशों में गिनती होती है अंग्रेजों से जब हमने आज़ादी प्राप्त की अभी से हमारा देश प्रगति के पथ पर तब से चला जा रहा है हमारे देश की राजधानी दिल्ली है जहाँ से हमारे देश का कारोबार चलाया जाता है हमारे देश को चलाने के कायदे कानून हमारे देश के संविधान में बना बताए गए हैं आज हमारे देश में कुल तीस संगराज्य हैं जबकि सात केंद्र शासित प्रदेश भी हैं हमारे देश को चलाने का काम केंद्र सरकार करती है बाकी राज्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है हमारे देश का प्राथमिक व्यवसाय खेती है इसलिए हमारे देश में सुजलाम सुफलाम दिखाई देता है हम सभी भारतीयों को हमारे देश पर गर्व है इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं इसी तरह आ, हमने जानने के बाद आ, इस तरह निबंध लेखन आपको करना है उसके बाद हम निबंध लेखन करने के बाद हमें कुल आठ में से छह, सात या आठ अंक अगर आपका अक्षर सुंदर हो तो आपको कुल प्राप्त अंक प्राप्त हो जाएंगे यानी आठ अंक प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद विद्यार्थी मित्रों अगला प्रश्न है सात निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं हवेली में पहले कौन रहता था किसी काम की सफलता के लिए किसकी ज़रूरत होती है और चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा आयन मामा जी के घर क्यों आया था इसी सवाल के जवाब देने के लिए आ, देने पर आपको कुल छ अंक प्राप्त हो जाएंगे कोई तीन के उत्तर आपको लिखने हैं किसी तीन के यानी यहाँ चार दिए गए हैं आपको सिर्फ तीन के लिखने तो तीन के लिखने के बाद आपको कुल छ अंक प्राप्त हो जाएंगे तो विद्यार्थी मित्रों चलिए हम सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं किसी तीन के यह प्रश्न सात हम देख रहे हैं यानी सातवाँ जो क्रमांक का होता है उससे पहले हमने निबंध लेखन देखा निबंध लेखन में चलिए हवेली में पहले कौन रहता था एक जमींदार का परिवार रहता था यह उत्तर आपको लिखना है दूसरों का लिखना है आपको परिश्रम बुद्धि और संयोग की ज़रूरत होती है और चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा चित्र ठीक नहीं है फिर से बना कर लाओ और आयरन मामा जी के घर क्यों आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आयरन मामा जी के घर आया था इसी तरीके से किन्हीं तीन के उत्तर आपको लिखने थे यहाँ चार भी दिए गए हैं तो इनमें से किसी तीन पर ही आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे तो इसी तरह विद्यार्थी मित्रों हमने जो प्रश्न सात के जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे यह हमने अब लिख दिए गए हैं आप सभी ने यह जो कृति पत्रिका है यह अंत तक आपने देखी है इसलिए आप सभी को ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल की ओर से आप सभी को बहुत ही धन्यवाद अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अंत तक आप सभी ने देखा आप सभी को मेरी ओर से